पहले दिन का खेल वेलिंगटन टेस्ट का खत्म हो चुका है और दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया ने वहीं से शुरुआत की है जहां पिछले टेस्ट मैच में खत्म किया था। लाजवाब प्रदर्शन टीम इंडिया का पहले दिन के खेल खत्म होने पर, और पहले एक बार फिर टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया, जो कि लगातार हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स और हर खिलाड़ी का मानना है कि भारत को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए। लेकिन आज धोनी के इस फैसले को भारतीय गेंदबाजों ने सही साबित किया जब न्यूजीलैंड की पूरी टीम को पहले ही दिन 200 तक नहीं पहुंचने दिया। जी हां, 192 रन पर पूरी टीम को ऑल आउट किया। रॉस टेलर इस टीम में नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद पिछले मैच में डबल हंड्रेड बनाने वाले ब्रैंडन मैकलम इस बार डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाए, सिर्फ 8 रन पर उनको आउट किया। और भारत के लिए जो सबसे बड़ी हाईलाइट रही वो रही ईशांत शर्मा की, जिन्होंने 6 विकेट चटकाए। पिछले टेस्ट मैच में ईशांत ने 9 विकेट लिए थे और इस टेस्ट मैच के पहले ही दिन 6 विकेट ईशांत ने और 4 विकेट मोहम्मद शमी ने चटकाए। एक चिंता का विषय यहां पर जरूर है कि जहीर खान थोड़े धीमे भी और कम असरदार नजर आ रहे हैं, लेकिन टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया। उसके बाद बल्लेबाजी की बारी आई तो शिखर धवन ने भी वहीं से शुरुआत की जहां पिछले टेस्ट मैच में खत्म किया था। मोमेंटम उनके साथ बरकरार, 71 पे नॉट आउट है शिखर धवन, 87 गेंदों में जिसमें 10 चौके और 1 छक्का लगाया, तेजी से रन भी बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि विकेट में खड़े हुए हैं। मुरली विजय आज रन नहीं बना पाए, सिर्फ 2 रन पे आउट हुए, लेकिन चेतेश्वर पुजारा का ये सीरीज शायद ऐसा सीरीज है जिसे चेतेश्वर पुजारा भूलना चाहेंगे। सिर्फ 19 रन बनाकर ट्रेंट बोल्ट के वो शिकार बने। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट चेतन चौहान इस वक्त हमारे साथ हैं। चेतन जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया इससे पहले कि पूरे एक्शन की तरफ हम रुख करें, क्योंकि बहुत ही एक्शन पैक्ड डे था। भारत की पकड़ बहुत मजबूत है, पहले दिन के खेल के बाद भारत चाहे तो इसको जीत में तब्दील कर सकता है अगर कंसिस्टेंटली इस प्रदर्शन को बरकरार रखे और बल्लेबाज अब एक करीब 400-450 कर आंकड़ा बनाए। देखिए, मैं पीछे लेके जाना चाहूंगा, पहले टेस्ट मैच में जो हम लोगों ने वापसी की थी और जल्दी से न्यूजीलैंड को आउट कर दिया और 400 के आसपास हम लोग पहुंच गए, बहुत नजदीक से मामला रह गया, नहीं तो हम लोग टेस्ट मैच जीत जाते। वो विश्वास के साथ ही आज हम लोग उतरे हैं और मैं पूरा श्रेय जो आज 200 से नीचे जो आउट किया है वो मैं ईशांत शर्मा को देना चाहूंगा। वो बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, बस ये कमी यही रह गई कि नो बॉल पे आउट कर दिया था, लेकिन वो नो बॉल हो गई, तो नो बॉल जो है उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ये जो नॉट आउट दे दिया गया बैट, ये बहुत महंगा भी साबित हो सकता था। दूसरी बात, थोड़ी सी पकड़ हम लोगों ने ढीली कर दी, 130 के आसपास जो है हमने 7 आउट कर दिए थे, फिर हमने 192 जो बनाने दिए, 133 पे 7 आउट हो गए थे और उसके बाद हमने 192 यानी लगभग 60 रन जो हमने बनाने दिए उनको, तो ये भी हमको बनाने नहीं देने चाहिए, हमने टेल जो है बिल्कुल जल्दी से जल्दी समाप्त करनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसे लो स्कोरिंग मैचेस में ऐसी विकेट जहां पे बॉल में मूवमेंट है, स्विंग हो रही है, बॉल बाउंस भी है, तो ऐसी विकेट पे जो है 20 रन, 30 रन और 50 रन जो है बड़े मायने रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए एक्शन को आप देख ही रहे हैं और विश्लेषण भी होगा, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि न्यूजीलैंड के विकेट किस अंदाज में चटकाए भारतीय गेंदबाजों ने, और इसकी शुरुआत की थी ईशांत शर्मा ने, उसके बाद फिर ईशांत शर्मा ने विकेट लिया और उसके बाद मोहम्मद शमी एक्शन में आए और ईशांत शर्मा ने आज 6 विकेट लिए, जो उनके करियर का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। और खासकर ये देखते हुए चेतन जी की ईशांत शर्मा पर लगातार आलोचना की उंगली उठ रही थी, लगातार वो प्रेशर में थे, क्या बदला है इस ईशांत शर्मा में? आपने इनको बहुत क्लोजली देखा होगा क्योंकि आपकी एक तरह से ये खोज भी है ईशांत शर्मा, जब दिलीप वेंगसरकर चीफ सिलेक्टर थे तो आपने ने इस खिलाड़ी को रिकमेंड भी किया था, तो इस तरीके से आपने बहुत नजदीक से इस खिलाड़ी को देखा है, क्या बदला है ईशांत शर्मा में? देखिए, कई बार ये हो जाता है कि आप लगातार खेलते चले जाते हैं, या तो थोड़े से आप कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं या फिर आप जो थोड़ा सा जो है ले आपकी जो है वो भटक जाती है। यहाँ पे क्या जो मैं देख रहा था जो जिसकी वजह से वो प्रभावी नहीं हो रहे थे, बॉल शॉर्ट करने लग गए थे और वेवर्ड हो गए थे, मैं ऑफ स्टंप के बाहर जा रही है, लेग स्टंप के बाहर जा रही है, एक जो है जो राइट एरिया जो हम बोलते हैं क्रिकेट में राइट एरिया टप्पा जो है सही जो टप्पा डालना चाहिए, हाँ। सही दिशा में और सही जगह पर जो टप्पा डालना चाहिए वो वहाँ नहीं डाल पा रहे थे और उसकी वजह से जो है वो महंगे साबित हो रहे थे और विकेट भी उनको नहीं मिल रही थी, दोनों चीज़ें हो रही थी। और इस मैच, पिछले मैच में और इस मैच में उन्होंने जो है बॉल बहुत ठीक बॉल किया है, ऑफ स्टंप, आउटसाइड ऑफ स्टंप और वहाँ पर जो है बॉल इन स्विंग आउट स्विंग, थोड़ी विकेट से भी मदद उनको मिल रही है, तो बॉलिंग भी बहुत अच्छी उन्होंने की है और उसका जो है नतीजा उनको मिला है, 6 विकेट उन्होंने लिए, बहुत अच्छी बॉलिंग की है और न्यूजीलैंड के बैट्समैनों को लगातार वो परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल शानदार गेंदबाजी ईशांत शर्मा, 17 ओवर और 3 मेड इन 51 रन सिर्फ और 6 विकेट, और मोहम्मद शमी 16.5 ओवर 4 मेड इन 70 रन 4 विकेट। शमी शानदार और ईशांत शर्मा शानदार, लेकिन जहीर बेअसर,
देखिए ज़हीर खान के बॉलिंग तो अच्छी कर रहे थे, ऐसा नहीं था, बॉल स्विंग भी करा रहे थे, कुछ बॉल जो है उन्होंने धीमी भी कराया, कमेंटेटर्स भी लगा था, लेकिन थोड़ा धीमी बॉलिंग कर रहे थे, वो 130 के आसपास कभी और भी कम कर देते, तो उसकी वजह से जो प्रभावी होने चाहिए और जो बैट्समैन को टाइम कम मिलना चाहिए वो टाइम जो है बैट्समैन को ज़्यादा मिल रहा था, और अकॉर्डिंगली फिर वो क्या करते एडजस्टमेंट कर एडजस्ट कर रहे थे। तो तीसरा फास्ट बॉलर का सपोर्ट आज दोनों फास्ट बॉलर जो प्रभावी रहे और जिन्होंने जो विकेटें ली हैं उनको जो है आज सपोर्ट नहीं मिला, उसी की वजह से 192 तक पहुंच गए। नहीं तो जैसे हम लोगों ने पहले टेस्ट मैच में दूसरी इनिंग में 105 पे हमने न्यूजीलैंड को आउट कर दिया था, स्कोर जो है वो 125-150 के आसपास ही आके रुक जाता यदि तीसरे फास्ट बॉलर की हमको और मदद मिल जाती, ज़ाहिर की जगह और कोई दूसरा फास्ट बॉलर होता। तो भारत के स्कोर की तरफ चलते हैं, 100 रन भारत का स्कोर है 2 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने की आज बल्लेबाजी की और न्यूजीलैंड की पूरी टीम को 200 के नीचे 192 में ऑल आउट कर दिया। फिलहाल एग्जैक्टली 92 रन पीछे है, 92 रन पीछे है भारत। और यहां पर जो अच्छी बात यह है कि शिखर धवन चेतन जी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और सॉलिड नजर आ रहे हैं और साथ में रन भी बना रहे हैं, लेकिन चेतेश्वर पुजारा की हम बात करेंगे, लेकिन यहां से टीम इंडिया का टारगेट। देखिए पहली बार शिखर धवन बहुत अच्छी बैटिंग किए हैं और आज जो विश्वास दिखाई दे रहा था उनकी बैटिंग में, और वो जो पिछले मैच में जो 100 उन्होंने बनाया उससे उनका कॉन्फिडेंस जो थोड़ा सा मैं कहूँगा हिल गया था, यानी कि खराब खत्म हो गया था, वो थोड़ा सा जो हिल गया था वो कॉन्फिडेंस उनका वापस आ गया और आज बहुत, हालांकि मूवमेंट था, विकेट इतनी आसान नहीं थी खेलने के लिए, लेकिन आज वो बहुत ही अच्छा खेले और पेशेंस के साथ खेले, जहां लूज बॉल उनको मिल रही थी बिल्कुल रन बना रहे थे उसका पूरा उन्होंने फायदा उठाया। मैं समझता हूँ कम से कम 150 रन की लीड हमने लेनी ही चाहिए, कम से ज्यादा की नहीं, 400 रन बनाना ही चाहिए अब इस पोजीशन में पहुंचने की। पुजारा की बात क्योंकि वक्त कम है, पुजारा कहीं ना कहीं निराश होंगे इस दौरे से। बिल्कुल ये मैं उनको बहुत बड़ा प्लेयर मानता हूं और हैं भी, लगातार रन बना रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, खास करके बहुत रन बनाए हुए उन्होंने, और सबसे अच्छी बात मुझे उनकी लगती है कि वो पिच पर टिकते हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ दिन तक जो है लगातार खेलते हैं वो, तो उससे एक एंड जो है वो चलता रहता है और स्कोर जो है वो भी लंबा चला जाता है, और दूसरी बात के सामने वाले बैट्समैनों को भी वो प्रोटेक्ट करते रहते हैं और वो बिल्कुल निराश होंगे।